भारत में अभी चढ़े हैं कि नहीं कभी? वंदे भारत अभी अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ से जाएंगे जब भी जाएंगे तो रांची जाएंगे जब भी जाएंगे से। जी हाँ, लेकिन जन शताब्दी को उस कारण लेट कर दिया गया। जन शताब्दी के कारण आज तो ट्रायल भी इसके हाँ, इसलिए चढ़ना है कि नहीं वंदे भारत? हाँ, उसी से जाना होगा। अब बहुत अच्छा लग रहा है, पटना के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अब यहाँ पर आज लोग को 8 घंटा जन शताब्दी से लगता था, अब 6 घंटे लगेंगे, तो यहाँ के आम जनता के लिए तो बहुत खुश की बात है। और ऐसे और भी वंदे भारत इस रूट पे चले तो हम लोग बिहारवासियों के लिए बहुत अच्छा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। वंदे भारत एक्सप्रेस आज पटना से रांची के लिए रवाना हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्रैक ट्रायल को लेकर आज पटना से लेकर रांची के लिए रवाना हो गया वंदे भारत एक्सप्रेस। और देख सकते हैं कि किस तरह से जब पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 10 से जब वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हो रहे थे तो लोग किस तरह से उसे घेर कर देख रहे थे और सेल्फी भी ले रहे थे। देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 पटना जंक्शन पर लोग हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये सुबह सुबह जो ट्रेन है वो ट्रायल के लिए पटना जंक्शन से रांची के लिए रवाना हो चुका है। जिस तरह से बात करें तो इसके स्पीड के लेकर जो ट्रैक है उसकी जांच किया जाएगा। हम लोगों से भी जुड़ेंगे कि कैसा है ये वंदे भारत एक्सप्रेस, कैसा लगा, क्या आप लोग चढ़िएगा, हम लोगों से जुड़ेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत अच्छा लगा ट्रेन। बिहार को सौगात मिली है, बिहार और झारखंड के, बिहार और झारखंड में भी दौड़ेगी? हाँ, बिहार में चलने वाली है, बहुत अच्छा लगा। हम खुद ही एक रेलवे स्टाफ है तो हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि भारत का बना हुआ ट्रेन है। आप भी रेलवे? जी हाँ। बिहार से ही हैं? जी हाँ, पटना से। वंदे भारत में अभी चढ़े हैं कि नहीं कभी? वंदे भारत अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ से जाएंगे जब भी जाएंगे तो रांची जाएंगे जब भी जाएंगे से। जी हाँ। कहाँ से हैं भाई? हम पटना से हैं। पटना से हैं। कैसा लगा वंदे भारत एक्सप्रेस? तो बढ़िया है। बढ़िया है हाँ, लेकिन जन शताब्दी को उस कारण लेट कर दिया गया। जन शताब्दी के कारण आज तो ट्रायल भी इसके हाँ, इसलिए चढ़ना है कि नहीं वंदे भारत? हाँ, उसी से जाना होगा। अब रांची उसी से जाना होगा। कैसा बिहार को सौगात मिला, कैसा क्या चाहिए? पहला वंदे भारत है, और भी चलना चाहिए। और भी चलना चाहिए यहाँ से बनारस दिल्ली सब सब जगह सब रूट में। हाँ, मेन रूट में चलना चाहिए, जैसे बनारस हो गया, हावड़ा हो गया, इधर चलना चाहिए। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पटना के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अब यहाँ पर आज लोग को 8 घंटा जन शताब्दी से लगता था, अब 6 घंटे लगेंगे, तो यहाँ के आम जनता के लिए तो बहुत खुश की बात है। और ऐसे और भी वंदे भारत इस रूट पर चले तो हम लोग बिहारवासियों के लिए बहुत अच्छा होगा। चढ़े कि नहीं कभी वंदे भारत? नहीं, अभी तो नहीं चढ़े हैं, लेकिन इसमें जरूर चढ़ेंगे। या चलेगा जब इनॉग्रेशन होगा उस दिन जरूर चढ़ेंगे। आम पब्लिक के लिए? हाँ हाँ, जरूर जरूर आम पब्लिक के लिए चलेगा तो जरूर चलेंगे। रांची जाना है? रांची जरूर जाना है। रांची कभी गए हैं कि नहीं? गए हैं, रांची गए हैं, शताब्दी से गए हैं, लेकिन वंदे भारत से कभी गए नहीं है, तो चलेगी तो बहुत अच्छी बात। घूमने के लिए जाना है वंदे भारत? हाँ जरूर, घूमने के लिए जाना है, लोगों को काम के लिए, रिश्तेदार से मिलने के लिए आसानी हो जाए। जहाँ पर 8 घंटे लेते हैं वहाँ पर 6 घंटे लगेगी, अब तो आराम से आदमी जा सकते हैं। अच्छी बात है। वंदे भारत ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने लगी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये दो राजधानियों को नहीं, दो दिलों को जोड़ रही है, दो दिलों को जोड़ रही है। बहुत अच्छा लगा देखकर। क्या कहिएगा मोदी सरकार को? मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। कहाँ से आप? मैं तो बोकारो से हूँ। बोकारो से? हाँ। तो झारखंड से यहाँ आना होगा तो वंदे भारत से आइए। हाँ, अब से तो वंदे भारत से ही आऊँगा। अभी तो जन शताब्दी में टिकट है, पर नेक्स्ट टाइम से वंदे भारत से ही आऊँगा। आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा? आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा। भारत में कभी बैठे कि नहीं? नहीं, पहले कभी नहीं। अब उम्मीद है कि अब यहीं से पटना से रांची या रांची से पटना बैठूंगा, यही रास्ते। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ट्रेन से अलग है? और ट्रेन से बहुत अलग है, देखने में सुंदर है, लग रहा है विदेश आ गए भाई। हाँ भाई, बहुत अच्छा। कहाँ से आप? इधर बाढ़ से है। आज तो वंदे भारत दौड़ने लगा ट्रैक पर? हाँ, खुशी की बात है। चलो, बिहार के लिए अच्छी बात, सौगात है। बिहार झारखंड जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि दो दिलों के जोड़ रहे हैं, दो स्टेट को नहीं जोड़ रहे हैं। ना ना, दो स्टेट को जोड़ा जा रहा। और दूसरी बात और भी है कि बहुत चीज़ इससे फर्क पड़ेगा बिहार के ऊपर भी। हाँ, क्या क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि चलो इससे कुछ प्रोग्रेस होगा और जल्दी पहुंच जाएगा, समय की बचत होगा। और ये आज से कैसा लगा ट्रेन देखने में, कैसा लगा? ट्रेन तो अच्छी है। कभी चढ़े कि नहीं वंदे भारत? मैं चढ़े तो नहीं, चलो इसका तो सब फ्लाइट जैसा ही है, फ्लाइट में तो बहुत बार चढ़े हैं। हाँ, तो इस पर भी चढ़ना है ना? हाँ, चढ़ेगा, शुरुआत होगा, चढ़ेंगे, इसमें क्यों नहीं चढ़ेंगे। बहुत सही लगा वंदे भारत, वंदे भारत बहुत सही लगा, लोगों का समय बच रहा है और क्या ही चाहिए।
बहुत सही है मेरे हिसाब से। कभी चढ़े कि नहीं इससे पहले वंदे भारत को स्टेट? नहीं अभी तक तो नहीं चढ़ा है, पहली बार बिहार में आया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। आप बिहार से हैं? जी मैं बिहार से ही हूँ। तो अब रांची जाना है इससे? यार रांची जाना है, फिलहाल तो रांची जनशताब्दी का वेट कर रहा हूँ, पर अभी वो 8:30 में खुलने वाली है। तो आप रांची में ही रहते हैं? नहीं रहता पटना में हूँ, बस किसी कारणवश रांची जाना पड़ रही है। अब आगे से जाना होगा तो वंदे भारत जाना? या वंदे भारत ही कम समय लग रहा है, और क्या ही चाहिए, जल्दी पहुँच जाऊँगा ना, ऐसे बहुत जगह रुकते जाती है ट्रेन, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। ट्रेन देख कर कैसा लगा अंदर? ट्रेन बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, लग्जरियस ट्रेन लग रही थी। अब ट्रेवल करूँगा तभी पता चलेगा कि क्या है। देखिए बहुत अच्छा। कहाँ से? बिहार से ही हैं? बिहार से। तो अब रांची जाना होगा तो वंदे भारत से जाइएगा? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। दो स्टेट को जोड़ रहे हैं वंदे भारत? हाँ झारखंड और बिहार। हाँ क्या कहिएगा, दोनों पहले एक ही था अब लेकिन दो स्टेट को जोड़ रहा है। हाँ क्या कुछ कहिएगा? क्या बोले बोलिए। तो ये मोदी सरकार बिहार को सौगात दी है, बिहार और झारखंड को, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा दिए हैं। बहुत अच्छा दिए। हाँ कैसा लगा वंदे भारत एक्सप्रेस? बहुत अच्छा है, बहुत लग्जरी ट्रेन है। लग्जरी ट्रेन? हाँ बहुत बढ़िया है, रांची जाने के लिए तो बहुत अच्छा है। इससे पहले कोई स्टेट में वंदे भारत चढ़े थे? नहीं नहीं कोई स्टेट में नहीं चढ़ा। तो अभी पहला पटना के लिए तो बहुत अच्छा है, आम के लिए खुलेगा तो अच्छा ही आम जनता के लिए। हाँ बहुत बढ़िया है, आम जनता के लिए भी तो बहुत अच्छा है, एसी है, थोड़ा सा रेंट तो अभी किराया कितना है पता नहीं है वो। हाँ तो अभी स्टेट को जोड़ता है वंदे भारत? हाँ हाँ बिल्कुल, बिहार झारखंड को जो है बहुत अच्छा है, जल्दी समय से पहले ही पहुँचा दे रहा है। ठीक है ट्रेन। आप क्या कहिएगा? बहुत अच्छा ट्रेन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रांची अब जाना होगा तो इसी जाइए? हाँ इसी से जाएगा, टोटल बोगी एसी है, टोटल बोगी एसी, लग्जरी जैसा। लग्जरी जैसा। किराया देखना है क्या? हाँ अब किराया देखना होगा कि किराया कितना है इसका। तो आपने लोगों को सुना किस तरह से जो पटना जंक्शन पर जो लोग हैं, तमाम जो वंदे भारत एक्सप्रेस यानी जो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर जो यात्री थे खड़े, वो वंदे भारत एक्सप्रेस जब खुला तो देखने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं, उनका कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत अच्छी ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ किराया होगा, लेकिन जिस तरह से कहें कि समय की जो बचत है वो वंदे भारत ट्रेन से हो रही है। इस तमाम खबर को न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।